बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम आकाश अहमद। आज हम इस लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होता है, क्योंकि जब हमारे पास मल्टी कंडीशंस आ जाती हैं तो उनमें नेस्टेड इफ जो होती है वो कम्प्लेक्स हो जाती है। तो हम लोग मल्टीपल कंडीशंस के लिए स्विच स्टेटमेंट को भी यूज कर लेते हैं। अगर हमें प्रोग्राम्स में बोला गया के नेस्टेड इफ को यूज करें तो फिर ही हम लोग उसको यूज करते हैं, या स्विच का बोला जाए, अदरवाइज हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और हम लोग इसमें वेरिएबल जो होता है उसको स्विच स्टेटमेंट में राइट करते हैं और डिफरेंट केसेस बना लेते हैं स्विच स्टेटमेंट में। सिंपल सी हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने राइट करना है जो कि इनपुट ले डिजिट को यूजर से और उसकी स्पेलिंग जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि यूजर कैन एंटर डिजिट ग्रेटर देन 3, के यूजर जो है वो ग्रेटर देन 3 नंबर इसमें एंटर करेगा, 1 2 3 इसमें एंटर नहीं करेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने डेटा की तरफ। यहाँ पे देखें तो हम लोग डेटा टाइप कोई नंबर एक डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर जो है हमारे पास ये है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। अगर हम लोग शॉर्ट भी हमारे पास डाटा टाइप होती है, इसके बाद हमारे पास लॉन्ग भी होती है, लॉन्ग डाटा टाइप भी होती है। ये हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूजर से मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा के कोई भी यूजर से एंटर करवा लेते हैं। सी इन सी आउट प्लीज एंटर नंबर, यूजर से कोई नंबर एंटर करवा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट कर लेते हैं। इसके बाद सी इन लिख लेते हैं, यहाँ पे सी इन राइट किया तो यहाँ पे हम लोग नंबर लिख के ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्विच स्टेटमेंट का हमारे पास जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि हम लोग इसमें स्विच राइट करते हैं, स्विच के बाद हम लोग पैरेंथेसिस डालते हैं और पैरेंथेसिस में हम लोग जो वेरिएबल होता है उसको राइट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी ब्रेसिस लगाएंगे, ब्रेसिस के बाद हम लोग केस बना लेंगे। केस क्योंकि हम लोगों ने क्या एंटर करना था 3 से ऊपर, तो केस हम लोग 4 के लिए बनाएंगे। इसके बाद हम लोग कॉलन डालते हैं, केस के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेटमेंट राइट करेंगे कि सी आउट जब यूजर जो है वो एंटर करे 4, तो यहाँ पे उसने डिस्प्ले क्या करवाना है 4 के स्पेलिंग, तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसी को जो है वो कॉपी करके केस जो है वो डिफरेंट बना लेते हैं। हमने कॉपी किया, इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी नंबर एंटर करने होंगे इस तरह हम लोग इसमें एंटर जो है वो करते जाएंगे। यहाँ पे ऐसे कर लिया तो ये हम लोगों ने केस 5 के लिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि इसके बाद हम लोग यहाँ पे 5 की स्पेलिंग जो है वो राइट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग 6 की स्पेलिंग राइट कर लेते हैं, 6 के बाद यहाँ पे भी हम लोग 6 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 7 राइट कर लेते हैं और 7 के बाद यहाँ पे 7 के स्पेलिंग जो है वो राइट कर लेते हैं। इसके बाद 8 के भी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 के स्पेलिंग 8 लिखा। इसके बाद नीचे भी हम लोग 9 के लिए भी लिख लेते हैं, 9 के लिए हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे 9 एंटर करते हैं और यहाँ पे भी 9 के स्पेलिंग। अब एक चीज जो समझने वाली है इसमें वो ये चीज है कि हमें देखें बताया गया था यहाँ पे कि यूजर जो है वो इनपुट आर डिजिट एक डिजिट एंटर करे, तो एक डिजिट में हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अगर इसके अलावा हम लोग एंटर करते हैं, यहाँ पे देखें 10 एंटर करते हैं, तो इसमें दो डिजिट आ जाते हैं 1 0 एंड 1। इसलिए हम लोग 4 5 6 7 8 9 के लिए शॉर्ट डाटा टाइप को ही यूज किया है। हमारे पास 10 एंटर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दो डिजिट आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी आप लोगों ने चीज याद रखनी है। इसके बाद हम लोग इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। कोई भी एरर, एक एरर आ गया कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ये साइन नहीं डाला हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नहीं डाला हुआ सब। ये देखें जी हमारे पास प्रोग्राम की आउटपुट आई है, यहाँ पे देखें प्लीज एंटर नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 एंटर करता हूँ, 3 4 एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो कहता है कि 4 5 6 7 8 9। अब ये देखें मैंने नंबर तो 1 एंटर किया है लेकिन 4 5 सारे स्पेलिंग आ गए हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर और एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने 4 किया था, तो अब मैं 6 या 7 एंटर करके चेक करता हूँ इसको। अब देखिए मैं 7 एंटर करता हूँ, इसमें 7 एंटर किया है तो वो 7 के बाद वाले जितने केस थे वो आ गए।
ये क्या प्रॉब्लम है जी, यहाँ पे देखें तो जो भी मैं नंबर एंटर करता हूँ उसके बाद वाले सारे नंबर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गए। एक तो ये है कि जब भी हम लोगों ने केस बनाने होते हैं स्विच स्टेटमेंट में, हर केस के बाद हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना होता है, ठीक है, ये भी एक कीवर्ड होता है, ये केस हमारे पास कीवर्ड है, स्विच हमारे पास कीवर्ड है, तो हर केस के बाद हम लोगों ने ब्रेक को यूज करना होता है, ठीक है जी। तो हम अपने हर केस के बाद जो है वो ब्रेक लगाए, ब्रेक का कीवर्ड यूज करना है यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने लास्ट केस तक जो है वो ब्रेक लिख लिया है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आती है इसकी। एग्जीक्यूट किया मैंने, तो एग्जीक्यूशन के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आया। यहाँ पे देखें तो मैं 5 एंटर करता हूँ, 5 के बाद मेरे पास 5 के ही स्पेलिंग आए हैं क्योंकि मैंने वहां पे ब्रेक का कीवर्ड लगा लिया था, ठीक है। ब्रेक के बाद जितनी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, हमारा कंट्रोल जो होता है वो वापस एग्जीक्यूशन वापस चला जाता है एंट्री की तरफ। अब नेक्स्ट देखें तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई और नंबर एंटर करता हूँ इनवैलिड के लिए, तो ब्रेक स्विच स्टेटमेंट में हम लोग डिफॉल्ट का कीवर्ड भी यूज करते हैं। डिफॉल्ट का कीवर्ड ऐसा कीवर्ड होता है जिसको हम लोग तब यूज करते हैं कि जब सारी स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाएं, तो फिर जो मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना होता है वो हम लोग डिफॉल्ट में राइट करते हैं। अब डिफॉल्ट में हम लोग लिखते हैं कि इनवैलिड नंबर, इसके अलावा कोई यूजर एंटर करेगा तो उसको बोलेगा कि इनवैलिड नंबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि डिफॉल्ट की कोई भी जगह नहीं होती, जहां मर्जी इसको राइट कर दें, बेशक इसको स्टार्ट में राइट कर दें, ये हमारे पास एक कीवर्ड होता है, इसके अलावा कोई भी एंटर करेंगे तो वो हमारे पास एरर देगा, ठीक है जी। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। हमने एग्जीक्यूट किया तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कोई भी एरर नहीं आया। इसकी आउटपुट जो है वो हम लोग चेक करेंगे कि क्या आउटपुट आती है, क्या इनवैलिड नंबर भी आता है कि नहीं। देखें 1 हमारा इनवैलिड नंबर है, वहां पर मैंने एंटर किया तो कहता है इनवैलिड नंबर। ये हमारी डिफॉल्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है, डिफॉल्ट की कोई भी जगह नहीं होती, ये हमारी थी स्विच स्टेटमेंट, ठीक है जी। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अपने ज़हन में रखना है कि किस तरह हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में चलते हैं तो हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, अगर नंबर जो है वो 55 हो तो डिस्प्ले होना चाहिए 4 times 5, अगर 66 हो तो 4 times 6 जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, अगर 77 है तो 4 times जो है वो 7 डिस्प्ले होना चाहिए, और अदरवाइज इनवैलिड नंबर आना चाहिए। इसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें अगर नंबर 1 हो तो डिस्प्ले करे संडे, अगर नंबर 2 हो तो वो मंडे करे, अगर 3 हो तो इस तरह वो ट्यूजडे करे, एंड सो ऑन। आपने 7 तक जो है वो करना है, ठीक है, 7 नंबर आपने करने हैं। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से करना है, और अच्छी तरह से करके आप लोगों ने इसको जो आउटपुट है वो चेक करनी है कि क्या आपके पास आउटपुट आती है। होपफुली आप लोगों का ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।